पांचवा बच्चा आने वाला है, लेकिन अभी वो उसको सस्पेंड रख रही है, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, नजर लग जाएगी भाई, ये जब आया हो रहा है, जब ये पेट इसका आगे आएगा तो ये कहाँ छिपाएगी, जब वो बाहर आएगा 9 महीने तक, तो ये सीमा हैदर कहाँ अपना पेट छिपाएगी। फिर पांचवा बच्चे के तो और भी कर ले, छठा भी कर ले, खूब बच्चे पैदा करती रहे, बच्चे की तेरे पास मशीन है ही पैदा करने की, हिंदुस्तानी बच्चा पैदा कर रही, क्योंकि मुझे नाक दिखता मिल जाएगी यहाँ की, इसलिए वो पैदा करी, वो सारे माइंड से चल रही, इतनी चालाक है, तेज है सीमा सचिन, कम नहीं है वो, जो पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के यहाँ आ सकती है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, और नाटक करती है कि मैंने व्रत रखा है, रखा हमने थोड़ी ना देखा व्रत रख रही है। देखिए बेइज्जती नहीं होती, सीमा हैदर जब यहाँ आई है तो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, अब वो हिंदुस्तान में यहाँ आ गई है तो हिंदुस्तान की कितनी महिलाएं यहाँ से भाग चुकी है, एक तो माहौल बहुत गंदा हो चुका है, आजकल लेडीजें भाग रही हैं, बच्चों की माँ भाग रही है, पहला दौर था कि मतलब एक लड़कियाँ भागती थी, लेकिन अब लड़कियाँ नहीं भाग रही है, जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आई है हिंदुस्तान में, इसने एंट्री ली है, तब से देखो अंजू चली गई पाकिस्तान, उसके बाद में वहाँ से एक महिला आ गई सोनिया, वो अपने हक के लिए आई, बच्चों को साथ लेकर आई। देखिए मैं ये कह रही हूँ, सिखा दिया नहीं है, ये गलत एक माहौल बना दिया। अगर सोनिया आई है, सोनिया ने शादी की थी अपने पति के साथ, उसका एक बेटा है, तो सोनिया को भी वो हक मिलना चाहिए ना, जो सीमा को मिल रहा है यहाँ पर रह के, उसको भी मिलना चाहिए। और कितनी लेडीज़ें तो भाग चुकी हैं, एक कुवैत भाग गई दीपिका, अपने दो बच्चे छोड़ के भागी है, तो ये माहौल गलत हो गया, ये हमारा देश किस एंगल पे चला गया, ये समाज कहाँ से कहाँ चला गया। मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी और सीमा से क्यों माफ़ी मांगूंगी, आखिरी मौका दे रहा है वो देश छोड़ के हमारा चले जाए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाए, अब हैदर भी आने वाले हैं, उसके पति अपने बच्चों को लेके, जबकि हक है उसके पति का, वो कह रहा मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, पूरी उसने तैयारी कर ली है और वो अपने बच्चों को लेने के लिए आएगा, और वो है भी, उसका हक भी है, 4 साल से वो गायब है, ये कह रही थी 4 साल से सीमा की बात बराबर चल रही है, अभी मैंने परसों ही रिकॉर्डिंग देखी है कि अपने पति को वो रिकॉर्डिंग पे बात कर रही है, भेज रही है, जब उसका कनेक्शन नहीं था तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ से उसने हैदर ने दिखाई है, हैदर ने न्यूज़ वालों को दिखाई है कि ये रिकॉर्डिंग इसने मेरे से बात करी है, तो कभी कभी याद आ जाती हूँ, क्यों याद कर रही है, जब तू हैदर की नहीं थी, तू सचिन की थी, पबजी के जरिए यहाँ खेलती खेलती आ गई तू पबजी, और क्या नाम, जब तू उसकी नहीं हुई, हैदर की नहीं हुई, 4 पहले से तू एक्स्ट्रा छोड़ के आई है, एक वहाँ भी छोड़ आई है दुबई में, और यहाँ इसके साथ में कैसे रह लेगी, सब यही कह रहे हैं कि वो अपने पहले पति की नहीं हुई, मेरी उसकी सोच से पता चल रहा है कि उसकी सोच कैसी है सीमा की, अपने हिंदुस्तान के वो सॉरी हिंदुस्तान में वो आ गई और अपने मुर्दाबाद कह रही है पाकिस्तान को, कितनी गलत सोच है, हम नहीं है समर्थन में, वो तो यहाँ से चली जाए, उसने माहौल बहुत गंदा कर चुकी है यहाँ आके, और प्यार प्यार कहती है कि मैं प्यार में आई हूँ प्यार में आई हूँ, तो 4 बच्चों की माँ तू कब तक प्यार करेगी, 4 से तेरा पेट ना भरा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये तो एक ऐसी वो करती है, वेश्या से भी ज़्यादा गंदी औरतें करती है, उनका काम होता है अपने बच्चों पे प्यार दिखाए ना, अपने पति पे प्यार दिखाए, जो अपने देश की नहीं है, अपने पति की नहीं है, और बच्चों को, उसके बच्चे आने वाले जब वो बड़े होंगे तो वो क्या सीखेंगे, पांचवा बच्चा आने वाला है, लेकिन अभी वो उसको सस्पेंड रख रही है, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, नजर लग जाएगी भाई, ये जब आया हो रहा है, जब ये पेट इसका आगे आएगा तो ये कहाँ छिपाएगी, जब वो बाहर आएगा 9 महीने तक, तो ये सीमा हैदर कहाँ अपना पेट छिपाएगी। फिर पांचवा बच्चे के तो और भी कर ले, छठा भी कर ले, खूब बच्चे पैदा करती रहे, बच्चे की तेरे पास मशीन है ही पैदा करने की, हिंदुस्तानी बच्चा पैदा कर रही, क्योंकि मुझे नाक दिखता मिल जाएगी यहाँ की, इसलिए वो पैदा करी, वो सारे माइंड से चल रही, इतनी चालाक है, तेज है सीमा सचिन, कम नहीं है वो, जो पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के यहाँ आ सकती है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, और नाटक करती है कि मैंने व्रत रखा है, रखा हमने थोड़ी ना देखा व्रत रख रही है, या न्यूज़ वाले ने थोड़ी तेरे घर पे जाके देखा है कि तू व्रत रख रही नहीं रख रही है, ये सारा जो वो फैला रही है रहने के लिए, या किसी तरह से मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, योगी जी से कह रही है, मोदी जी से कह रही है कि हाँ भाई बता ले, अब तो कुछ भी बता ले, क्योंकि उसे हिंदुस्तान में रहना है, उसको पता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं जा नहीं सकती। देखिए पहले तो उसको नागरिकता मिल जाए, पहले अभी जिस पर जांच चल रही है, अगर वो जासूस पाई जाती है जांच के दौरान पे, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जेल के अंदर डालना चाहिए उसको। हम क्यों प्यार मोहब्बत बरसाएंगे, वकील साहब है तो प्यार मोहब्बत बरसाने के लिए, सचिन है तो प्यार मोहब्बत बरसाने के लिए, हम क्यों बरसाएंगे, उसने माहौल इतना गंदा कर दिया, देश का आके सब भागी रही है, पहले तो बेटी थी, चलो जी भाई बेटी जा रही है भाग रही है, अब तो लेडी से भाग रही है, संभाल के रखो अपनी बीवियों को, आज का दौर हुआ, संभाल के रखो अपनी बीवियों का, क्योंकि आजकल दो दो बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ लव मैरिज के चक्कर में, प्यार के चक्कर में भाग रही हैं अपने हस्बैंड को धोखा दे के, ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए प्यार एक से होता है, कुंवारे लड़के से होता है प्यार,
हमें प्यार हो गया, हम शादी कर लेंगे। तो सचिन कुंवारा है, वो तो कुंवारी नहीं है, चार बच्चों को लेकर आई है, उसका कैसा प्यार है? प्यार होता है एक के दो होते, एक लड़की लड़का उसके बीच में प्यार होता है, इनमें कैसा प्यार है? और प्यार होता ही रहेगा क्या? चार से प्यार हो गया, पांचवे से प्यार हो गया, इससे जब इसने शादी करी थी हैदर से, इसने लव मैरिज करी थी, क्या वो प्यार नहीं था? जब चार बच्चे पैदा कर लिए बिना प्यार के कर लिए, भटक नहीं गई थी? वो रंगलनिया मंगल मनाती है शुरू से, वो प्यार पे ही चढ़ गई, उसका प्यार पता नहीं कौन सा ऊपर जा रहा है, प्यार समझ में ही नहीं आ रहा। प्यार कब खत्म होएगा? तेरे बच्चे भी हो गए, अब बच्चों पे ध्यान दे दे, बच्चों से प्यार कर ले, क्या प्यार करती रहेगी? कितना प्यार करेगी? तूने आगे औरों को भगवा दिया, देश छोड़ छोड़ के भाग रही है। सुंदर अगर होती, दिल सुंदर होना चाहिए ना, सुंदर अगर होती तो अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं आती इस तरह से। जो आई है सुंदरता से मुझे जलन नहीं है, मुझे ऐसी लेडीज़ों से जलन है जो इस तरह से करती है। प्यार 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 करती रहेगी बुढ़ापे तक, क्या प्यार ही करेगी? किसी और से कर लेगी वो सचिन को भी छोड़ के, अभी क्या पता, अभी तो देखो आगे आगे क्या होता है। सारी सीमा पार करके वो यहाँ आ गई, औरों को भी कितना कुछ सिखा दिया है जो पहले कभी नहीं गई, पाकिस्तान नहीं पहुँची लड़कियाँ लेडीज है, और कुवैत तक नहीं गई, उनकी हिम्मत देखो आज वो सब भाग रही हैं। पति भी डर रहे हैं अपनी बीवियों से। अभी एक सरदार जी की वीडियो मैंने देखी थी पंजाब की, एक पाकिस्तानी से उनकी वाइफ बात कर रही थी, वो इतना गुस्से में आया, उन्होंने आओ देखा ना तो देखा उसका मोबाइल ही तोड़ दिया। क्यों? उन्हें भी डर है ये पाकिस्तान से सेट होके कहीं मुझे छोड़ के ना भाग जाए। भाई सब तो डर रहे हैं, पति पहले तो लड़कियों से डरते थे माँ बाप कि हमारी लड़की ना भाग जाए कहीं, अब बीवियों से डर रहे हैं। और संभाल के रखो अपनी बीवियों को, वो जब यहाँ रहता नहीं था वो कहाँ से मारेगा पीटेगा? वो चार साल से तो बाहर था, वो कहाँ से मार दिया? कहाँ से बच्चे पैदा कर लिए इसने चार चार? सीमा को अगर मारता तो पड़ोसी भी तो बताते, इसके पड़ोस में कह रहा है ये ऐसी थी, ये हर किसी से फ्री हो जाती थी। आसी पड़ोसी भी जो रिपोर्टर उनसे पूछने के लिए गए कि सीमा हैदर का यहाँ व्यवहार कैसा था, तो उन्होंने बोला कि ये दुकानों पे आती थी सामान लेने के लिए, सबसे फ्री होती थी, इसका कैरेक्टर खराब था, वो ये बोल रहे हैं। चार बच्चों की अम्मा लड़कियाँ नहीं होती, लड़कियाँ जो होती है कम उम्र की होती है, 15-16 साल की चलो मान लिया चुलबुली होती है, वो भी नहीं करती। जो ये चार चार बच्चों की अम्मा, दो दो बच्चों की अम्मा, ये इन्हें प्यार का भूत सवार है, एक से इनका गुजारा नहीं होता, ये दस दस से करेंगी क्या पता नहीं, इसके पतियों को छोड़ के दूसरे पति के घर में आ जाती है। शादी कैसे होगी पहले तो मुझे बताओ, कहती है जब तक तलाक नहीं होती मोमडनों में तो दूसरी शादी नहीं होती। अब अंजू चली गई, अंजू की भी तलाक नहीं हुई ना, उसकी भी कैसे शादी हो जाएगी? ये तो पहले ऑनलाइन भेज थी, वो यहाँ से भेजता अपना डिवोर्स नामा तो जब तो तू शादी करती, अभी ये कैसी शादी है? तुम तो हराम कर रही हो रह के। सीमा हैदर भी गुनाह कर रही है, जिना कर रही है, उसकी भी डिवोर्स नहीं हुई हुई है, उसकी भी डिवोर्स नहीं हुई हुई है, दोनों की दोनों गलत काम कर रही है। वो तीसरी भागी है दीपिका, वो भी गलत काम कर रही है अपने पति को छोड़ के। सलमान उसने भी मोहम्मदन धर्म अपना लिया, वो भी सलमान के पास चली गई कुवैत में, वो भी गलत कर रही। जब तुम लोगों की डिवोर्स ही नहीं होगी, तलाक ही नहीं देंगे तुम्हारे पति, तो तुमने शादी कैसे कर ली? पति से पहले तलाक लेती, मुझे तुम पसंद नहीं हो, बोला कहा है उन्होंने? बोलती तो जब प्यार करने की हिम्मत है, दूसरे के साथ में भागने की हिम्मत है, तो आदमी से डिवोर्स की बात भी करने की हिम्मत रखनी चाहिए लेडीजों को। क्यों भाग रही है? सचिन से वो बेहतर तो और भी मिल गया, जिसके साथ में खेल रही थी उनके साथ क्यों भागी? सचिन सीधा इंसान है, वो बोलना नहीं आता उससे, इतना इसको फंसा लिया, इसने फंसा लिया सचिन को, फंसाया कि ये मेरे बहकाए में आ जाएगा, फंसाए में आ जाएगा, कम उम्र का लड़का है, मैं हूँ चार बच्चों की अम्मा 30 तक, नहीं तो जिसके चार बच्चे हैं और वो क्या नाम, इतने बच्चे होगा उसके, वो 27 की रहेगी अभी। अरे लाए खूब बनवाए ना, फिर बनाए सभी देखेंगे, दुनिया देखे, अभी तो इतनी किरकिरी हो रही है उसकी, कौन उसकी फिल्म देखेगा, उसके मुंह पे कोई थूके भी ना, नहीं देखा हम नहीं देखेंगे। ऐसी गद्दार औरत की हम फिल्म देखना पसंद नहीं करेंगे, जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, लेडीजों को बर्बाद कर दिया। ऐसा है लेडीजों ने ऐसा करा के सिखा दिया, तो भैया जो आदमी भी फिर सीख गए, आदमी गर्लफ्रेंड रखना पसंद करेंगे, ऐसी बीवियां रखना पसंद नहीं करेंगे, वो भी शादी नहीं करेंगे, क्या ये धोखा दे दे के भाग रही हैं, हमें नहीं करनी शादी, एक गर्लफ्रेंड बना के वो रख लेंगे, उसके साथ रह लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है ऐसी गंदी औरतों से, बीवियों से, वो पसंद नहीं करेंगे रखना।